सऊदी अरब में बोलने और लिखने की आज़ादी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और कलम को जंजीरों में जकड़ दिया गया है। हाल ही में उसकी एक मिसाल जमाल खशोगी का कत्ल है, जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इशारे पर तुर्की में सऊदी अरब के कौंसलेट में किया गया था। अब एक नया वाक़या सुनने में आया है, वो ये है कि वहाँ की लेखिका रिम सलमान, जो बहुत मशहूर लेखिका हैं, उनको सऊदी क्राउन प्रिंस के कुछ लोगों ने पहले धमकी दी, फिर 2 दिन के लिए उनको किडनैप किया गया और उसमें उनको बेदर्दी से मारा, और मारने के दौरान ये कहा कि अगर तुमने लिखना नहीं छोड़ा तो तुम्हारा भी हश वही होगा जो जमाल खशोगी का हुआ था। उसके बाद भी सऊदी गुंडों ने उनको नहीं छोड़ा और एक दिन उनके घर पर आर्म्ड लोगों ने, मुसल्ला या सशस्त्र लोगों ने उनके घर पर धावा बोला और तोड़फोड़ की। रिम सलमान किसी सूरत से भागकर नीदरलैंड पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनको ये खदशा है कि उनके जो बच्चे हैं वो सऊदी अरब में महफूज हैं कि नहीं। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील की है कि उनके ख़ानदान वालों की हिफाजत की जाए और सऊदी गवर्नमेंट पर ऐसा दबाव बनाया जाए कि वो उनके बच्चों के साथ ज़्यादती ना करें।